वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। आज के वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया है, डिटरमाइन द वोल्टेज इन वी ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 mm एंड द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट इज 20 pC। ये 20 pC एक्चुअली 20 pF है, ठीक है। ये कैपेसिटर के लिए एक वैल्यू है पिको में। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे मेरे पास ये सर्किट है, ये सर्किट में हमें जो डिटरमाइन करना है वोल्टेज डिटरमाइन करना है। ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये बैटरी, इसका वोल्टेज हमें डिटरमाइन करना है। ये कहाँ पे कनेक्ट किया, ये पैरेलल प्लेट में कनेक्ट किया, जो हमने ये कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई है और ये फिल हुए है एयर से, ये फिल किया है हमने। और इसमें क्या दिया है, व्हेन द एरिया ऑफ द प्लेट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो एरिया है हमारा, ये कैपेसिटर का एरिया, ये हमने हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमें दिया हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 5 mm, ये जो सेपरेशन है ये हमें कितना दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 5 mm एंड द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट इज 20 pC, ये हमें चार्ज स्टोर हुआ दिया है। तो देखो अभी हमें जिसे ये सब हमें करना है मीटर में, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^2 ये -4 मीटर होगा। ये कैसा निकाला मैंने, जैसे मुझे ये पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, मीटर में करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10^-2, ओके। पर ये स्क्वेयर, इसलिए ये कन्वर्ट हुआ -4 में। इसे हम करते हैं 5 × 10^-3, ठीक है। इसमें भी हमें क्या मालूम है, 1000 mm इज इक्वल्स टू 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे आने के बाद 5 × 10^-3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें फाइनली निकालना है वोल्टेज, पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला देखेंगे। जैसे मेरे पास ये है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, और इसमें भी सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन का जो वैल्यू हम पुट करते हैं, ये एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। ये कैपेसिटर का एरिया, ये है डिस्टेंस, मतलब जो कैपेसिटर में डिस्टेंस दिया होता है ये देखना है हमें, मतलब ये सेपरेशन है और एरिया हमें दिया हुआ है। उसके बाद में एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर ये वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.854 × 10^-12, ये फिक्स वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन आर जो है ये 1 होता है एयर के लिए, एयर इंसुलेशन है। ये कैपेसिटर के अंदर इन्होंने बताया कि एयर एज ए इंसुलेशन हमने यूज़ किया है, और उसके लिए वैल्यू फिर होती है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिल्ड विथ एयर, इसलिए हमने ये लिया है। इसके बाद में फिर मैं अभी क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे पता है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 × 10^-12, ओके। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, और ए जो दिया है हमें, जो मतलब एरिया दिया हुआ है, एरिया हमें यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ द प्लेट, तो फिर ये दिया हुआ है 10^-4, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 × 10^-4, जो हमें ये 10 दिया है, और 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लिए मैंने 10^-4 यहाँ पे लिया था अपॉन, यहाँ पे हमें जो इसमें डिस्टेंस जो दिया है, ये गैप जो दिया है 5 × 10^-3, ठीक है। ये सिर्फ हमें क्या मिला है, कैपेसिटेंस मिला है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज के लिए मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मुझे मालूम है जो फॉर्मूला होता है हमारा क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो वोल्टेज के लिए क्या होगा, एक वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, ठीक है। हमें सी मिला है, क्यू हमें ये चार्ज है, हमें ये चार्ज अभी क्या है वो देखना है। चार्ज की वैल्यू हमें जो दी है यहाँ पे 20 pC, ये हमें वैल्यू दी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट चार्ज 20 × 10^-12, ये पिको फैरड का। आगे मैं लिखता हूँ फिर से यही सेम वैल्यू 8.854
इंटू 10^-12 इंटू 10^-4, ठीक है। ये अपॉन में जो वैल्यू आएगी 5 × 10^3, मैं डायरेक्टली अभी इसको ऊपर ले लेता हूँ, 5 × 10^-3। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 20, यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 × 5, ये डायरेक्टली कर लेंगे, ये हमें यहाँ पे मिलेगा 100, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 12 + 3 10^-15 अपॉन, यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8.854 इंटू, ये एक जीरो और इसमें से एक जीरो, या तो फिर एक जीरो और इसमें से एक जो 10^-1 है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर हमें ये मिलता है 12 और यहाँ पे एक कैंसिल हुआ तो 3 बचेगा, तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ 10^-15। तो मैंने क्या किया, हमें ये दो कैंसिल होना चाहिए क्योंकि देखो अभी ये ऊपर जब जाएगा तो ये होगा +15, फिर ये हो जाएगा कैंसिल, फिर हमारा आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे 100 अपॉन 8.854। आगे हमें मिलेगा इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 11.3, ये हमें क्या मिला है वोल्टेज, और ये फाइनल आएगा V, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा जो हमें दिया है ऑप्शन सी में। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया है एक्स और वाई, ये जो पॉइंट्स है इसमें से हमें निकालना है इक्विवेलेंट। इसके पहले मैं एक डायग्राम देखता हूँ, ये डायग्राम में हमें क्या देखना है, मैंने इसको जो है लेवल दिया है, मतलब ये इसको मैंने रेजिस्टेंस दे दिया है R1 R2, जो मैंने स्टार्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे R1 से स्टार्ट किया है। जब भी आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो कभी भी आपको लास्ट से शुरू करना है, जैसे यहाँ पे R1 ये R2 मैंने लास्ट से लिया है, R3 R4 ये R5 है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये R3 और ये R5 के लिए, ठीक है, R6 के लिए मैंने पीछे से शुरू किया है, तो इससे ये होता है कि हमें ये सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती है। जैसे अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, जैसे ये सीरीज में दिया हुआ है ये 4 और 2, यहाँ पे ये सीरीज में अगर आप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 6, उसके बाद में ये 6 और ये 3, अभी यहाँ पे ये है पैरेलल में, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे हमें कुछ R3 मिलेगा, मैं एक नोटेशन ले लेता हूँ, R3 हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6 और ये 3, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 × 3 / 6 + 3, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6 × 3 = 18 और ये हुआ 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यहाँ पे मिला अभी मुझे 2, यहाँ पे मिला 2, मतलब अभी ये 2 होगा सीरीज में, जिसे अगर मैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो ये मुझे ठीक है, ये सब मुझे अभी कुछ मिलेगा, यहाँ पे है ये सीरीज में और ये अभी हमने निकाला है, ये भी है ये सीरीज में और ये मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे है 2 ओम और यहाँ पे भी है 2 ओम, ये है 4, यहाँ पे है 2, ठीक है, थोड़ी देर समझने के लिए। अभी 2 और 2 ये कितना होगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे ये 4, ठीक है, फिर से ये है अभी पैरेलल में और ये 4 और 4 कितना मिलेगा 2, तो मैं अभी क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ये 2 है और हमें इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे ये 4 और 4 का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 का डायरेक्टली 4 से आधा लिखेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, अगर सेम होगा आपके पास रेजिस्टेंस तो उसका डायरेक्टली आधा लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करता हूँ, 4 × 4 = 16 और ये है 4 + 4 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये हुआ 2 ओम, ठीक है, डायरेक्टली आधा करना आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये 2 और 2, फिर से देखो मैं यहाँ पे इसका आधा कर लेता हूँ, फिर फाइनली हमें आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा ये मिलने वाला है 1 ओम, जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, ठीक है, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखता हूँ मैं अभी, नेक्स्ट हमें दिया है डिटरमाइन द पावर डिलीवर इन वैट बाय द करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमें गिवन सर्किट है, इससे हमने क्या किया, इसको फिर से नेमिंग दे दिया है क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है पावर डिलीवर,
तो पावर डिलीवर के लिए मुझे मालूम है, फॉर्मूला में यूज करूँगा पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, अभी यहाँ पे आर मतलब ये है फिर से आर इक्विवेलेंट, तो मुझे पहले निकालना है आर इक्विवेलेंट, फिर हम देखेंगे आई स्क्वेयर मतलब करंट की वैल्यू, और करंट की वैल्यू हमें गिवन है, तो फिर पहले तो निकालना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम देखेंगे फिर से, ये देखो फिर से मैंने यहाँ पे भी लास्ट से शुरू किया है, यहाँ पे है आर वन, ये है आर टू, आर थ्री, आर फोर और आर फाइव, ये दो है 2 ओम और 2 ओम, फिर से हो जाएगा यहाँ पे 4 ओम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है ये 4 ओम। ठीक है, फिर से ये 4 ओम और ये 4 ओम अभी पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में जब 4 है मतलब सेम वैल्यू, तो इसका हाफ कर देना, ये होगा 2 ओम। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यहाँ पे निकालता हूँ ये दो रेजिस्टेंस, और हमें ये मिलेगा अभी ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है 1 ओम और ये है 2 ओम, और जो हमें मिला यार 4 और 4 ये मिला 2 ओम। ठीक है, अब ये सब सीरीज में, फिर ये 2 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल इक्विवेलेंट, जिसे मुझे आर इक्विवेलेंट मिला है अभी ये है 5 ओम। तो अभी मैं यहाँ पे पुट करूँगा, जो मेरे पास अभी करंट की वैल्यू है ये 4, अभी ये स्क्वेयर में इसलिए मैं और एक 4 निकालता हूँ और इक्विवेलेंट मिला है 5, ये 5 4 20, ओके, फिर 20 × 4 कितना मिलेगा ये है 80, ये मिला मुझे। ये पावर डिलीवर कितना दे रहा है मतलब पावर ये सर्किट में कितना दे रहा है ये है वैटेज में, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ये दिया है ऑप्शन ए में। यहाँ पे हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें ये ट्रू कौन सा है हमें ये देखना है। तो ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट्स के लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं होता, पैसिव सर्किट्स के लिए हमें मालूम है कि पैसिव सर्किट्स के लिए होता है आरएलसी। ठीक है, लंप सर्किट में आपको क्या मिलेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, ठीक है, ये फिर से ये कैपेसिटेंस और ये एक रेजिस्टर, ये सब लंप सर्किट्स होते हैं। और नॉन लीनियर में आपको क्या मिलेगा, जैसे थर्मिस्टर, ओके, ये वेरिएबल है, उसके बाद में फोटो रेजिस्टर, ये सब होता है नॉन लीनियर में। तो हमें यहाँ पे ये पूछा है कि ट्रू कौन सा है कि जिसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं होता, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई ये डिस्ट्रीब्यूटर एलिमेंट्स में नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर एलिमेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं पूरे से। या फिर हम नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, हमें मालूम है ओम्स लॉ के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो हमें ये फिफ्थ में मिलेगा D1। ठीक है, हमें ये जहाँ तक मालूम है वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई निकालने के लिए आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर निकालने के लिए वी अपॉन आई, यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो ये वी इक्वल्स टू आई भी नहीं मिलेगा, वी इज इक्वल्स टू आई माइनस आर भी नहीं है, और ये आर अपॉन आई है तो ये भी हमें नहीं मिलेगा, फिर वी इज इक्वल्स टू आई आर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू 15 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर इज 60 वोल्ट। इसमें हम एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में देखो अभी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो है 15 ओम का, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 60 वोल्ट का, हमें बताना है यहाँ पे करंट। तो जैसे करंट का जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वोल्टेज है हमें 60 और रेजिस्टेंस है 15, और 15 × 15 और 15 × 60, ये हमें 4 एम्पियर इतना करंट यहाँ पे मिलेगा, जो हमें ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 4 एम्पियर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द वोल्टेज इन वी अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम, हमें देखना है पहले वोल्टेज पूरे सर्किट के लिए। तो वोल्टेज देखने के लिए हमें मालूम है कि हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना है वोल्टेज वी अक्रॉस पॉइंट ए और बी, यहाँ से देखना है मतलब यहाँ पे हमें वोल्टेज देखना है। अभी वोल्टेज देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे फॉर्मूला मालूम है वी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, तो आई मुझे मालूम है यहाँ पे दिया है पर आर नहीं मालूम, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, ये आर मतलब है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये रेजिस्टेंस निकालूंगा, और ये तीनों भी है पैरेलल में,
तो मैं क्या करता हूँ फिर, वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन, इसका एल से मिलेगा ये टू मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ यहाँ पे, ये वन प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाई टू होता है, टू टू कैंसिल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ वन लेते हैं, यहाँ पे भी वन लेंगे और यहाँ पे हम टू लेंगे, और नीचे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे टू। तो यहाँ पे हम क्या हमें मिलेगा टू थ्री और फोर, ये हुआ फोर अपॉन टू। ओके, फिर यहाँ पे मुझे क्या मिला अभी, टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर, ये हमें मिला यहाँ पे टू। पर ये वैल्यू किसकी मिली है हमें, वन अपॉन आर की वैल्यू है टू, हमें निकालना है आर। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू होता है 0.5 ओम, ये हमें आर मिलती है, मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू। और आगे क्या बाकी है अभी, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैं रेजिस्टेंस के लिए दिखा रहा हूँ, ये है सीरीज में और ये हमें मिला, ये भी हो जाएगा ये सीरीज में, और यहाँ पे दिया हुआ है ये करंट सोर्स और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और ये 0.5 हमें यहाँ से मिला है, बचा है 1 ओम और 1 ओम, ये हो गए सब सीरीज में। फिर वन और प्लस वन प्लस वन टू, और 2 प्लस 0.5, ये हमें मिलेगा 2.5, ये क्या मिला हमें, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर अभी जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने देखा था, ये वी इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 3 और इक्विवेलेंट है 2.5, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू आपको मिलती है 7.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखेंगे, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए मेरे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे करंट निकालना होगा तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हम देखते हैं, रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलता है तो हमें ये सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले से अभी देखो, हम इधर फोर और ये फोर, इसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्किट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने निकाला ये जो हमें वोल्टेज सोर्स दिया है 36 वोल्ट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे मैं और एक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये है 2 ओम। ठीक है, ये फोर और फोर ये था सीरीज में, तो यहाँ पे मिलेगा 8 ओम, ये दो है, ये 8 ओम और 8 ओम, फिर से ये पैरेलल में है, 8 और 8, फिर से हाफ वैल्यू ले लेंगे, ये 4 ओम। अभी यहाँ पे क्या है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर से वोल्टेज अगर यहाँ से मिलता है हमें तो हमें करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज मिलने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल है वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज, ठीक है, मल्टीप्लाई, हमें यहाँ से निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पहले टू लेंगे, फिर इसका एडिशन, एडिशन 4 प्लस 2। ठीक है, ये वी दिया है हमें, अभी ये इसके लिए हम नोटेशन क्या लेंगे, हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो हम इसको समझने के लिए थोड़ी देर यहाँ पे एट लेते हैं, V8, आपको ये समझ में आएगा। तो ये V यहाँ से टोटल वोल्टेज है 36, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 6, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ 6 वन ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और 6 × 2 12, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V8, मतलब यहाँ से कितना वोल्टेज फ्लो होगा, 12 वोल्ट यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू मिली, हमें निकालनी है करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वोल्टेज मिला है 12 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आई फोर के लिए निकालना है, ये रेजिस्टेंस है फोर में जो फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे फोर, ये 4 1 ज़ा 4, ये 4 3 ज़ा 12, तो हमें करंट कितना मिलता है, आई इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, यहाँ हमें लास्ट करंट या तो लास्ट वैल्यू मिलेगी, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है ए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड बाय 16 ओम रेजिस्टर वेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर इज 32 वोल्ट। तो हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में हमें जिससे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 ओम ली है,
और वोल्टेज है 32 वोल्ट। तो हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पे पावर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वोल्टेज, इसलिए वी स्क्वेयर अपॉन रेजिस्टेंस, हमारे पास ये पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है। तो वोल्टेज हमें दिया है 32, इसका स्क्वेयर है इसलिए 32 × 32, और फिर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो दिया है ये है 16, 16 × 16, 16 × 32, और 32 × 2 ये हमें मिलेगा 64 वैट, ये हमें पावर फाइनल आंसर में मिलेगी जो हमें ऑप्शन में दी है ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई, यहाँ पे जो करंट आई है फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमें इस आई के लिए वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमें मालूम है करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये रेजिस्टेंस दिया है हमें यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। अभी वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और एक सर्किट देखते हैं, जैसे हमारे पास ये सर्किट है, सर्किट में मैंने जैसे ये 2 ओम सेम एज इट इज, ये 6 वोल्ट है, ये 20 एम्पियर है, ये आई है, ये 6 ओम सेम यहाँ पे लिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक हमें नोड लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे नोड अप्लाई करना है। अभी नोड अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 20 एम्पियर है और यहाँ पे है 2 ओम, हम इसे कर लेते हैं, अभी यहाँ पे है करंट, इसे हम करते हैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है हम इसे वी इज इक्वल्स टू आई आर जैसे यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमें वोल्टेज सोर्स मिलेगा, करंट है हमारे पास 20, हम रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं ये 2, फिर हमें मिलता है यहाँ पे 40। तो अगर हम नया सर्किट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मैं एक सर्किट फिर से ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये वोल्टेज सोर्स मुझे मिला है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 वोल्ट, और हमें ये जो गिवन है यहाँ पे ये जो 60 वोल्ट यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, बाद में ये रेजिस्टेंस जो मिला है हमें, मतलब यहाँ से ये रेजिस्टेंस ये जाता है सीरीज में, तो मैं यहाँ सीरीज में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है ये 2 ओम, और यहाँ पे ये दिया है 6 ओम, यहाँ पे ये मैं फिर से और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकलता हूँ, इसकी वैल्यू भी दी है 3 ओम, और बाद में एक वोल्टेज है ये 30 वोल्ट, ठीक है, ये है प्लस माइनस, और यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, ये है प्लस माइनस और यहाँ पे भी है प्लस माइनस। हमने ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये फ्लो हो रहा था यहाँ से, तो हमें ये भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन हमने सेम रखी, और ये हम क्या कर लेते हैं बाद में ये हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वी एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी हमें ये नोड निकालने के लिए थोड़ी सी आसानी ये होगी कि हम एक नोड से आंसर इसका निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। अभी देखो ये 60 और ये 40 या 100 होता है, अगर हमने फिर से और एक सर्किट देखा तो ये ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ 60 और 40 का एडिशन लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। पर अभी ये सब लिखने से पहले हमें नोड के लिए पहले करंट डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, जैसे ये प्लस से, यहाँ से प्लस से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये मैंने करंट डायरेक्शन दे दी और ये करंट डायरेक्शन आउटवर्ड दे दी, ठीक है। और यहाँ से प्लस से माइनस ऐसा फ्लो होगा, तो जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैं करंट डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये मैंने दे दी। अभी ये जो डायरेक्शन जो इनवर फ्लो हो रहे नोड के पास, इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो आउटवर्ड फ्लो हो गए इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो अंदर फ्लो हो रहा है इसलिए ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में लेता हूँ यहाँ पे ये 100, मैंने ये 100 लिया, ठीक है। और ये 100 मैंने ये वैल्यू पॉजिटिव ले ली क्योंकि ये इनवर्ट फ्लो हो रहा है, और ये 100 से हमें कहाँ तक जाना है, वी के पास जाना है, फिर 100 से ये माइनस वी के पास जाएंगे हम, और इसमें रेजिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है जाने तक, ये 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया। अभी ये आउटडोर फ्लो हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, और ये वी वोल्टेज अपॉन हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ पे तो 0 होता है इसलिए मैंने माइनस कुछ नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 ओम, बाद में फिर से इनवर्ट जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये 30 ये प्लस में, और ये माइनस कितना है यहाँ पे, ये वी अपॉन इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना, ये हमें 3 मिला, ठीक है। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं ये सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, पर इसके लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, जैसे मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड ली, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने सर्किट ड्रॉ नहीं करता हूँ मैं, फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, मुझे इक्वेशन क्या मिला था, 100 - V / यहाँ पे 2 - V / 6 + 30 - V / 3 हमें ये मिला था।
इसके लिए हम 6 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 एलसीएम लेते हैं, तब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे और एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ, 100 माइनस बी अपॉन 2, या मल्टीप्लाई हम ये 6 से करते हैं, माइनस बी अपॉन 6, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 6 से, प्लस 30 माइनस बी अपॉन 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, 6 से करते हैं। और ये एलसीएम है, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एलसीएम 6 ले लिया। फिर 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, ये 6 और 6 कैंसिल है, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6। तो हमें ये हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 100 × 3, 300 वोल्ट, माइनस ये कितना 3 V, उसके बाद में ये माइनस V, या फिर 2 से भी अंडर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो मुझे क्या मिलेगा, 30 × 2, ये 60, और ये माइनस 2 वोल्ट। और अंदर मैंने लिया ये 6, ये 2 वोल्ट मैंने मल्टीप्लाई अंदर ले लिया, और ये नीचे में होगा ये 6 हमारा एलसीएम। अभी यहाँ पे देखो, ये 300 और ये 60, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 360, उसके बाद में माइनस 3, और ये 2 5 V, और एक V, ये 6 V अपॉन, फिर से नीचे ये 6 मुझे एलसीएम में आ जाएगा। अब ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें इक्वल्स टू 0 देना है, ठीक है, ये सब इधर देना है, पर मैंने ये दिया नहीं था यहाँ पे, तो आपको ये देना है। तो ये 6 × 0 आपको डायरेक्टली, ये आप 0 करोगे मतलब आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 360 माइनस 6 V, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। बाद में 360 इक्वल्स टू 6 V, फिर हमें वोल्टेज मिलेगा 360 अपॉन 6 इक्वल्स टू V, 6 1 6, 6 6 36, और 1 0, वोल्टेज हमें मिला 60 वोल्ट, ठीक है। पर हमें फाइनली लिखना लेना था करंट, और करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V अपॉन यहाँ पे R, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज है 60, और जो रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा था ये था 6, तो 6 1 जा 6, और 6 1 जा 6, और 1 0, तो करंट हमें मिला यहाँ पे 10 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा लास्ट आंसर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।